वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्यूज का वीडियो रोज रात के 9 बजे मिल जाएगा। और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पूर्व क्रिकेटर को निर्विरोध CBI का अध्यक्ष चुना गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले किस खिलाड़ी ने पुरुषों की 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, दीपक पुनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के सरकारी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों का देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, ईरान देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने देश के सबसे बड़े 65 वर्ष के हाथी नरुन गमुआ राजा की सुरक्षा के लिए सेना के जवान तैनात किए हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, श्रीलंका सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश दक्षिण एशिया में सबसे कम GDP वाला देश है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने हेतु पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन में व्यापार के लिए विश्व का पहला ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किस उपकरण द्वारा ली गई तस्वीर से चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग के बारे में पता चला है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, LROC द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट ने हाल ही में वकीलों और वादियों को अपनी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच देने के लिए अपना मोबाइल ऐप शुरू किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खातों की निकासी सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, ये मिलती है एक पेड़ से। एस्प्रिन पेड़ के लेक्टस से प्राप्त होता है जो ज्वर होने पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
टाइम अप। इसका आंसर है ए, ब्राजील का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, भारत की संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को कई मामलों में एक जैसी शक्ति प्राप्त है केवल निम्न को छोड़कर। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, संशोधन प्रक्रिया और राष्ट्रपति का चुनाव को छोड़कर दोनों सदनों को एक ही जैसी शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, पोटेशियम साइनाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, RSV विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, खनिज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, ताजा पुष्प समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, चीन सागर में। ये थी आज की क्विज। आपके इस क्विज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं इसी टाइम नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।